मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जाते हैं, समाजवादी के लोग कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, कहाँ से जीतते हैं, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जाते हैं नहीं। संबल के लोग जो हमारे जनता है यहाँ की, वो शिक्षा नहीं मिलने की वजह है जो मुस्लिम लोग, तो उन्हें उनके साथ में हमेशा से हमारे से आज़ादी उनके पास से साथ होता है। अगर किसी ने उनके खिलाफ कोई आवाज़ निकाली तो हम उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर देंगे, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इनके इनको सपोर्ट ना करें। उनको आप देखिए, अगर दो भाइयों में झगड़ा हो गया तो एक भाई उसे उन्होंने कह दिया कि मत कर दो मर्डर, मैं देखूँ। सीधे लोगों को इस तरीके से दबा के, उनको इस तरीके से डरा धमका के सियासत अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, आदाब, और मैं हूँ आपके साथ आपका सहयोगी मोहम्मद सद्दाम, और आज हम बात करेंगे आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ वोटरों को रुझाने का काम कर रहे हैं। उसी दौरान हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश का रुख कर चुके हैं और उनके साथ जो हैं सुहेल देव पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो उनके साथ संगठन है, संगठन में जो कि उनके साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। 15 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIIM के चीफ हैं, उन्होंने संभल के अंदर एक राजनीतिक प्रोग्राम किया, एक मज़ार पर चादर चढ़ाई, जिसके बाद संभल की राजनीति गर्मा गई। और जो कि AIIM के जो कि संभावित प्रत्याशी संभल विधानसभा से माने जा रहे हैं, जो कि समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, और इस समय प्रेजेंट में सपा की ही यहाँ पर दावेदारी कब्जा है। नवाब इकबाल महमूद यहाँ से विधायक हैं और अन्य दल भी उनको हराने के प्रयास, जो कि बड़ी बड़ी बातें चुनावी मैदान में हो रही हैं। वहीं एक पार्टी ऐसी है AIIM के असदुद्दीन ओवैसी, जो कि लगातार संभल पर उनकी निगाह है, और हमारे साथ हैं मुशीर खां साहब, जो कि मुशीर तरीन के नाम से संभल के अंदर मशहूर हैं और समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, लगातार संभल में जो कि जो भी सामाजिक कार्यक्रम रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं, और कई आंदोलनों में भी संभल के हिस्सेदारी रही है उनकी, और कई मुकदमे भी प्रशासन की तरफ से इनके ऊपर लगाए गए हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी इनको चुनावी मैदान में संभल से उतार सकते हैं, और लगातार जो कि इनके मुद्दे रहेंगे, क्योंकि संभल की जो राजनीति है, जो संभल विधानसभा की राजनीति, अपने दर्शकों को बता दें, दो ही परिवारों में सिमट कर रह जाती है, तीसरे को बनने का कोई चांस ही नहीं रहता है। अब संभल की जनता भी सोचती है कि इधर जाएं या उधर जाएं, तीसरा ऑप्शन नज़र नहीं आता। तीसरे ऑप्शन के रूप में संभल की राजनीति में गर्मी पकड़वाई है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब AIIM जो कि संभल लोकसभा है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ से मुशीर तरीन जी AIIM के प्रत्याशी हो सकते हैं, उनसे ही जानेंगे कि संभल का क्या इतिहास रहा। संभल में दो परिवार ही आपस में लड़ते रहे, एक लोकसभा पहुंचता है, कभी एक विधानसभा पहुंचता है, दूसरा विधानसभा पहुंचता है, तीसरा फिर लोकसभा पहुंच जाता है, दूसरे किसी नए इंसान को मौका ही नहीं मिलता है, दो ही परिवारों में रह जाता है। इसी यही वजह है कि संभल का विकास नहीं हो पाया, संभल में स्वास्थ्य सेवाएँ ठप, शिक्षा के क्षेत्र में संभल में नहीं हुआ। अब आपको अगर यहाँ की जनता चुनती है, और जिस तरह से आपकी पार्टी के चीफ का ऐलान है कि हम यूपी में सरकार बनाएंगे, तो क्या रहेगा संभल? देखिए, संभल की ये बदकिस्मती कहिए या संभल के लोग जो हमारे जनता है यहाँ की, वो शिक्षा उन्हें नहीं मिलने की वजह है जो सीधे लोग हैं, तो वो उन्हें उनके साथ में हमेशा से, एक ज़माने से, जब से आज़ादी के बाद से उनके साथ धोखा होता चला आया। उन्हें उनका वोट तो लिया, लेकिन कभी उनके काम जो हैं वो नहीं कर पाए ये लोग। और जैसा कि अभी आपने जो कहा था कि दो परिवारों के बीच में जो है सियासत चलती रही, किसी ने निकलने की कोशिश भी की तो उनको इस तरीके से ये दोनों लोग मिलके घेरते हैं, या तो उसका मर्डर करवा दिया, या उसके ऊपर केस लगवा दिए, या उसको ज़िला बदर करवा दिया, या कुछ ना कुछ ऐसा सामने कर दिया जिससे वो सामना जो है नहीं कर पाए और ये दोनों अकेले रह जाए। तो अब जनता, जाहिर सी बात है कि वो शिक्षित नहीं है, शिक्षित न होने की वजह से वो इनसे सवाल भी नहीं कर पाती, और इनको डरा के धमका के रखते हैं
कि अगर किसी ने इनके खिलाफ कोई आवाज़ निकाली तो हम उनके खिलाफ मुकदमे कायम कर देंगे। एक नहीं सैकड़ा हज़ारों केस इस टाइप के हैं कि जिन्होंने हिम्मत की कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इनके इनको सपोर्ट ना करें। उनको आप देखिए, अगर दो भाइयों में झगड़ा हो गया तो एक भाई से उन्होंने कह दिया कि मर्डर कर दो, मर्डर मैं देख लूँगा, तो एक को उन्होंने अपना लिया, दूसरे भाई को उन्होंने अपना लिया। मालूम ये हुआ कि 20-30 साल उनमें मुकदमेबाजी भी हुई, उनके चाकू भी लगे, वो उनके मर्डर भी हुए, सब कुछ हुआ, आखिर में जाके उनका जो है कंप्रोमाइज़ हो गया। तो कुल मिला के जो काम इन लोगों को करना चाहिए था, आपस में लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए था, उन्हें उनका कंप्रोमाइज़ शुरू में ही करा देना चाहिए था, वो काम इन्होंने कभी नहीं किया, हमेशा लड़वाने के काम किया। और सत्ता पर काबिज होने का सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि भाई आपस में लड़वा दो, एक ग्रुप उनके पास, एक ग्रुप उनके पास, इस तरफ से कभी ये जीत गए कभी वो जीत गए। आज इंशाल्लाह मेरे ऊपर संभल की जनता ने विश्वास किया है और मुझे संभल की जनता लेकर आई है, और संभल की जनता की तवक्कुआत मेरे मुझसे बहुत है, मेरे परिवार से बहुत है। संभल की जनता बदलाव चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। संभल की जनता अब बर्दाश्त नहीं कर रही, इन लोगों को किसी सूरत हलक से उतारने की कोशिश नहीं कर रही, वो चाहती है कि इनसे हमारा हमें छुटकारा मिले। अभी भी मैं रोज़ देख रहा हूँ, रोज़ मेरे सामने इस टाइप के केस आ रहे हैं कि उनको धमकाया जा रहा है, इनके कारिंदे, इनके जो लवायकीन हैं वो फौरन आ जाते हैं। मुझे प्रोग्राम किसी ने दिया, फौरन उसके घर पर पहुँच गए, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमने प्रोग्राम क्यों दे दिया, फलाने साहब जो हैं वो तो आपके ऊपर मुकदमे लगवा देंगे, आपके साथ ऐसा करवा देंगे, तो वो लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधे लोगों को इस तरीके से दबा के, उन्हें उनको इस तरीके से डरा धमका के सियासत करनी ये अच्छी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ संभल की सियासत एक नया रुख लेगी, और मैं अपने हर वर्कर का तन मन धन से साथी हूँ। मेरा वर्कर है, चाहे वो किसी हाल में हो, मैं हर सूरत से अपने वर्कर के साथ रहूँगा और किसी सूरत अपने वर्कर को जेर नहीं होने दूँगा। मैं मेरी कोशिश है ये कि मेरा वर्कर डरे नहीं, झिझके नहीं। मैं उनसे यकीन के साथ, दावे के साथ इस बात को कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मत डरिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरिए। ये लोग, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, ये लोग ये देख चुके हैं कि हमारा जो हम जो 30 साल से या 50 साल से हम जो सत्ता में आए हुए बैठे थे या हम जनता को छलते चले आ रहे थे, वो वक्त हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। इसलिए ये बौखला कर नए से नए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। मेरी जनता से ये अपील है, हरगिज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है, और मैं हर सूरत में अपने सारे जितने भी मेरे वर्कर्स हैं मैं हर ढंग से उनके साथ हूँ, चाहे पुलिस का मामला आके पड़े, चाहे जेल का मामला आके पड़े, चाहे जेल जाने का नंबर आके पड़े। अगर जेल का नंबर आके पड़ा, सबसे पहले मैं, मेरी जात जो है वो जेल में जाएगी। मैं अपने वर्करों के हर सूरत से साथ हूँ। मुशीर भाई, आपके परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बताया कि बहुत अच्छा काम किया है, ज़मीनें वगैरह भी दी आपने, कॉलेज वगैरह बने हैं, ये तो आपके परिवार की तरफ से किया गया। अगर जनता चुनती है, विधायक बनते हैं सत्ता में, अगर जैसा दावा किया गया है सत्ता सरकार बनती है आपकी गठबंधन से जैसे भी, तब संभल के लिए पहला काम कौन सा होगा? दूसरा सवाल मेरा हाथ के हाथ आपसे ये कर देता हूँ, जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भाजपा के एजेंट हैं और केवल उन्हीं सीटों पर वो जाते हैं प्रचार करने जो मुस्लिम बाहुल्य होती हैं, गोरखपुर वगैरह या और जहां भाजपा का वर्चस्व है वहां रैली क्यों नहीं करते हैं? और साथ ही इतनी तगड़ी बयानबाजी करने के बाद भी कोई केस नहीं होता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये बाद वाला जवाब दे दूं कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जाते हैं, समाजवादी के लोग कहां से इलेक्शन लड़ते हैं, कहां से जीतते हैं? मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जाते हैं नहीं, यादवों के क्षेत्र से जीते हारे। हमारे मुख्यमंत्री जी, जो पिछले मुख्यमंत्री जी थे, वो यादवों के क्षेत्र से हार के आए, मुस्लिम क्षेत्र से वो उनकी जीत हुई। कहाँ से जीत हुई? हमारे ऊपर इल्ज़ाम उल्टा लग रहा है। हम तो उन्हें हमेशा हमने सपोर्ट किया, हमेशा उनको जो है हमने जिताकर भेजा, तो ये कोई नई बात नहीं है। अपने उनकी जो कमी है वो अपनी कमियों को देखें। भाई, हम अगर मुस्लिम क्षेत्र में, ओवैसी साहब मुस्लिम क्षेत्र में अगर
इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो क्या अयोध्या में लड़ेंगे? बताइए कहाँ लड़ेंगे वो? तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत है। बी टीम, जहाँ तक बी टीम का सवाल है, तो बी टीम कोई बी टीम नहीं है। ओवैसी साहब बी टीम है, समाजवादी आ गई वो भी बी टीम नहीं, बहुजन आ गई वो बी टीम नहीं, दूसरी और सारी जो पार्टियाँ नई नई पार्टियाँ आती चली गई उनके बारे में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वो बी टीम है। आज एक मुस्लिम नेता आकर खड़ा हुआ जो हर समाज को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, हर दलित कुचले हुए समाज को साथ में लेकर चल रहा है। हमारी पार्टी के अंदर आप देखिए कि ये सिर्फ बदनाम करने की बातें हैं। हमारी पार्टी में 20 से 25 लोग जो हैं वो हिंदू साहिबान हैं, गैर मुस्लिम साहिबान हैं जो जिला अध्यक्ष हैं। तो कौन से हिसाब की मुस्लिम पार्टी हो गई, कैसे बदनाम कर रहे हैं? ये सिर्फ इल्ज़ामबाजियाँ हैं, कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में त्यागी लोग भी हैं, शर्मा लोग भी हैं, ठाकुर भी हैं, जाट भी हैं, दलित भी हैं, जाटव भी हैं। हमारे मुस्लिम दलित गठबंधन की बात करें, हमारे लोग जो हैं मुस्लिम दलित गठबंधन है, हमारे उच्च जाति के लोग भी हैं हमारे। मुशीर भाई, ये भी कहा गया कि जो सुहेल भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ओवैसी जी से मतभेद चल रहे हैं, इसीलिए संभल वो नहीं आए उनके साथ, क्योंकि जैसे जारत पर चादर पोशी की गई उस बात को लेकर नाराज रहते हैं वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी अपनी कुछ ज़रूरियात थी, उनका एमरजेंसी कुछ काम था, उनका कोई मरीज का कोई, मेरी बात हुई थी हमारे सदर साहब से, तो उन्होंने यही बताया कि कुछ उनके साथ में मजबूरी थी, उनका कोई घर का कोई फर्द बीमार था, उसकी वजह से उनका प्रोग्राम एंड टाइम पे जो है वो कैंसिल हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरे प्रोग्राम में शामिल होंगे, अभी तो प्रोग्राम तो बहुत होने हैं। और जहाँ तक आपने पहला सवाल किया था शिक्षा के क्षेत्र का, और ये पूछा था आपने कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, पहला काम आप क्या करेंगे, तो देखिए मैं, हम लोगों की कोशिश जो है वो आप लोग सब जानते हैं कि हमारा सबसे जो पहला काम है, हमारी पहली जो सोच है वो है एजुकेशन। हम जो है ये चाहते हैं कि एजुकेशन संबल को मिले, यहाँ के लोग जो शिक्षा से महरूम रहे और उनके साथ में जो इस तरीके का व्यवहार किया गया कि इनको जो है शिक्षा से दूर रखो, ताकि ये इतनी समझ बूझ इनकी नहीं बन सके कि ये हमसे वोट का सवाल करें कि तुमने 50 साल या 30 साल जो है हमने वोट दिया तो उस वोट का हिसाब दो, इस काबिल इन्हें नहीं बनाया जाए। उस नीति के तहत ये लोग चल रहे थे, उस नीति को इंशाल्लाह हमें तोड़ना है और शिक्षा के ऊपर हमें काम करना है। सबसे पहला काम प्रायोरिटी पे हमारा यही होगा कि हम इंशाल्लाह जितना कुछ कर सकते हैं वो इसके शिक्षा के ऊपर हम काम करें। मुशीर भाई, ये तो चलो आपने संभल की बात की, एजुकेशन हेल्थ सर्विस को लेकर कहा, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि योगी जी बहुत दमदार नेता हैं, उनका अपना जनाधार है, बड़े नेता हैं, इसे कैसे देखते हैं? वो बड़े नेता, देखिए पता नहीं वो बड़े नेता कैसे हैं, सबके बारे में उनको सोचना चाहिए। एक तरफा बात जो है वो सही नहीं होती। योगी जी ने ओवैसी के बारे में कहा बड़े नेता, उनका जनाधार है ओवैसी का। बड़े नेता हैं वो नेशनल लेवल के इंटरनेशनल नेता हैं वो, और उनका जनाधार है, उनके लिए आप देखिए लोग किस तरीके की जो है वो सोच रखते हैं। उनके नाम पे मैंने अभी जो प्रोग्राम मेरे यहाँ 15 तारीख में परसों हुआ है, उस प्रोग्राम में आप देखिए कि मेरा कोई एडवर्टाइज नहीं था, मैंने किसी किस्म का कोई लाउड स्पीकर में ऐलान नहीं किया, किसी अखबार में मैंने ऐड नहीं दिया। इसके बावजूद सिर्फ उनका वो मेरी मोहब्बत में जो है वो मेरे परिवार से उनके घरेलू संबंध हैं, उसके नाते वो मेरे उसका कार्यालय का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मेरे घर पर आए। तो खाली आने के उसमें आप देखिए कि लोग जो हैं वो मेरे मना करने के बाद, मैंने इतना लोगों से मना किया उसके बावजूद लोगों का हुजूम देखिए उनकी मोहब्बत में किस तरीके से आया, और अपनी जान को लोगों ने जान नहीं समझा, उनको पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरीके के नेता संभल से, संभल की जनता से आखिरी बार हमारे चैनल के माध्यम से अपील क्या करेंगे, क्या कहेंगे संभल की जनता से, संभल विधानसभा? संभल की जनता से मैं ये अपील करूँगा कि आप लोगों को जो आप लोगों के साथ में जो छलाव, जो आपके साथ में धोखा हो गया या जो आप धोखा उठाते चले आए हो,
मैं इंशाल्लाह वायदा करता हूँ संभल की आवाम से कि ये धोखा अब नहीं होने दूंगा और संभल के लोगों को इस बात को जाहिर करवा दूंगा कि उनका वोट कितना कीमती है। उन्होंने अपने वोट की कीमत को नहीं समझा, इंशाल्लाह वो अपने वोट की कीमत को समझेंगे और उनको ये मालूम हो जाएगा कि उनका वोट किस तरीके की कीमत रखता है और किस तरीके का काम करवा सकता है। संभल का विकास मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से संभल का विकास होगा। मेरी कोशिश पूरी ये होगी कि रात और दिन मैं संभल की खिदमत करूं। मैं जैसे कि आपने कहा था कि मैं समाज सेवा जो है मैंने की है, मैं समाज सेवी आज भी हूँ और मैं यही सोच कर काम करूँगा कि मैं जैसे जिस तरीके से पहले समाज सेवा करता था इंशाल्लाह उसी तरह से करता चलाऊँगा। अगर इसका जनता का मुझे साथ मिला तो मैं इंशाल्लाह रात और दिन उनके लिए अपनी जान को जानना समझकर उनके लिए ज़िंदगी अपनी वक्फ कर। देखिए ये थे AIMIM के संभल के नेता हैं मुशीर साहब। उन्होंने कहा कि जो संभल की जनता का जो दो परिवारों के बीच में फंसकर जो पूरी जनता पिस रही है उस जो कि उससे बाहर निकलने का समय आ गया है और अगर संभल की जनता मुशीर साहब को चुनती है तो सबसे पहले संभल के अंदर एजुकेशन पे काम होगा, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर काम किया जाएगा। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि संभल की जनता सपा बसपा भाजपा कांग्रेस या AIMIM के जो चीफ असदुद्दीन की बातों पर यकीन करती है।